गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है WH फैमिली पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें ताकि आप WH फैमिली को अच्छे से समझ पाए। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 3 WH फैमिली। इसमें हम बात करेंगे एक स्पेशल WH फैमिली की, जो कि है हमारा हु। फ्रेंड्स, हु का यूज करते समय बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। शुरू करते हैं। देखिए, हु का मतलब होता है कौन और किसने। जब भी आप हु का सेंटेंस बनाते हैं एक WH फैमिली के रूप में, यानी कि एक क्वेश्चन के रूप में, तो आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। नंबर वन, हु वाले वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता, यानी कि काम करने वाला नहीं होता। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर टू, हु वाले वाक्यों में सिंपल रूल लगाना है आपको, इंटरोगेटिव नहीं लगाना, क्योंकि 95% मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि WH फैमिली वर्ड जब भी यूज होता है तो उसके साथ इंटरोगेटिव फॉर्मूला यूज होता है, यानी कि WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट यूज किया जाता है। लेकिन हु के केस में ऐसा नहीं होता। पॉइंट नंबर थ्री, हु खुद अपने आप में सब्जेक्ट ही होता है, यानी कि हु जो WH फैमिली है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट का ही काम करती है। ठीक है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। पहला सेंटेंस, तुम्हें किसने बताया। बताया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं तो वो बनेगा सबसे पहले WH फैमिली वर्ड प्लस सिंपल रूल, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे हम इसे। तो हमारा WH फैमिली यहां पर है किसने, कौन और किसने के लिए हम हु यूज करते हैं। सबसे पहले हमने हु लगाया, फिर हमने रूल लिख लिया एफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, और क्योंकि हमने पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट नहीं होता तो हम सब्जेक्ट को छोड़ देंगे। तो सेकंड चीज हम लिखेंगे वर्ब, हु के बाद सीधा हमने लिखी वर्ब की सेकंड फॉर्म बताने की, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, और ऑब्जेक्ट आया हमारा तुम्हें, हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया। क्योंकि देखो, अगर हम यहां पे बोलते कि तुम्हें राम ने बताया तो राम ने काम किया था। ठीक है, अगर हम राम को हटाकर किसने लगा दें तो हु क्या काम कर रहा है यहां पर, एक तरह से सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हु वाले वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, वो खुद सब्जेक्ट का काम करता है। और सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे तो सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, सब्जेक्ट को लिखना नहीं है, सब्जेक्ट नहीं होता उसमें। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें कौन पढ़ाता है। अब देखो, पढ़ाने का काम कौन करता है यहां पर नहीं लिखा हुआ, इट मींस कि इस सेंटेंस में काम करने वाला नहीं है। अगर यहां पर होता कि तुम्हें राहुल पढ़ाता है, तुम्हें रोहित पढ़ाता है, इसका मतलब काम करने वाला है सेंटेंस में, तो उसी की जगह तो आपका कौन ले लेता है, यानी कि सब्जेक्ट की ही जगह हु काम करता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये टेंस है प्रेजेंट इनडेफिनेट, और प्रेजेंट इनडेफिनेट का सिंपल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES और ऑब्जेक्ट। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। हमारा WH फैमिली वर्ड आ गया हु, उसके बाद सब्जेक्ट को हमने छोड़ दिया हु, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच और उसके साथ SES, हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थ्री, पार्टी में कौन जा रहा है। कौन हमारा हो गया WH फैमिली, लगा दिया जी। उसके बाद टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, रहा है, रही है, रहे हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो हु लगाया हमने हु, अब देखिए यहां पर मैंने फिर सब्जेक्ट को मिसिंग किया है, क्योंकि यहां पर खुद सब्जेक्ट हु ही है। हु इज गोइंग टू द पार्टी, पार्टी में कौन जा रहा है। अगर हम यहां पर लगाते पार्टी में, सपोज हम यहां पर लिख देते हैं राम, पार्टी में राम जा रहा है, इसका मतलब जाने का काम कौन कर रहा है, राम।
उसी की जगह हु ने ली है। मैं बार बार यही समझा रहा हूँ कि सब्जेक्ट की जगह हु लेता है, तो हु इज गोइंग टू द पार्टी, अगर हम हु के ओब्लिक में नीचे लिख देते हैं राम, तो हमारा सेंटेंस बनेगा राम इज गोइंग टू द पार्टी, यानी कि पार्टी में कौन जा रहा है, राम, राम पार्टी में जा रहा है। अगर हम राम को हटा देते हैं यानी कि सब्जेक्ट को हटा देते हैं और हम हु लगाते हैं, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा कौन पार्टी में जा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको हु समझ में आ गया होगा अच्छे से। दो तीन बार इस वीडियो को देख लेना, आपकी हु की कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नई जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।